आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, द गिवन क्वेश्चन इज 8 पर्संस ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, 4% सीट ऑन कॉर्नर एंड 4% सीट इन मिडल ऑफ द साइड। Each one of them belong to different companies, Wipro, TCS, Google, HCL, Cipnosis, Infosys, Adobe and Samsung. यहाँ पर total 8 persons हैं जो कि एक square table पर बैठे हैं, जो 4 persons हैं उन्होंने corner की तरफ बैठे हैं और जो 4 persons हैं वो middle में बैठे हैं, और सभी का face कहाँ है? Center की तरफ है। अब starting में हमसे बोला गया है कि F seat second to the right of the delegate of HCL. तो देखिए यहाँ पर अगर HCL बैठा है तो इसके second राइट में कौन बैठा होगा? एफ, तो इसका फर्स्ट और सेकंड ये हो जाएगा इसका सेकंड राइट, तो यहाँ पर कौन बैठा है? एफ। एडोब इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डेलीगेट्स ऑफ एचसीएल, तो यहाँ पर कौन बैठा है? एडोब, यहाँ पर एडोब बैठा है। और आगे बोला गया है हमसे कि 2% सीट बिटवीन डेलीगेट्स ऑफ एडोब एंड बी, एडोब और बी के बीच में कितने पर्सन है? 2% है, तो 1, 2 यहाँ पर कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब सी और ई आर इमीजिएट नेबर ऑफ ईच अदर, लेकिन सी और ई किसके पास नहीं बैठ सकते हैं? एच सी एल और बी के पास नहीं बैठ सकते, इट मीन्स या तो सी और ई यहाँ आएगा या तो सी और ई यहाँ पर आ जाएगा। आगे बोला गया है द डेलीगेट्स ऑफ गूगल सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, हु इज द डेलीगेट्स ऑफ टी सी एस? सेकंड राइट में बैठा है, इट मीन्स अगर डी यहाँ पर होता है जो टी सी एस है, तो इसके सेकंड राइट में फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर कौन बैठा होगा? यहाँ पर बैठा होगा गूगल, यहाँ पर आ गया होगा गूगल। अब आगे देख लेते हैं और क्या बोला गया है, द डेलीगेट्स ऑफ गूगल एंड द विप्रो। अब यहाँ पर जी एंड द डेलीगेट्स ऑफ विप्रो इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, बी इज नॉट एन डेलीगेट ऑफ विप्रो। जी और बी, जी और विप्रो एक साथ बैठेंगे, लेकिन बी जो है वो विप्रो नहीं हो सकता है, बट इट मीन्स बी विप्रो नहीं हो सकता है, तो जी कहाँ पर बैठेगा? जी बैठेगा एडोब की जगह पर, और इसके साथ जो रहेगा वो विप्रो, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? विप्रो आ जाएगा। आगे बोला गया है सी और डी के बीच में सिर्फ एक ही होना चाहिए, तो सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, इट मीन्स यहाँ पर ई नहीं आएगा, और यहाँ पर ये वाला हो जाएगा ई और ये वाला हो जाएगा सी। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द डेलीगेट्स ऑफ सैमसंग, मतलब सैमसंग यहाँ पर बैठा है, तो एच कहाँ बैठा होगा? इसके थर्ड साइड पर, तो यहाँ पर कौन बैठा होगा? एच, यहाँ पर आ जाएगा एच। आगे बोला गया है द डेलीगेट्स ऑफ इन्फोसिस सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द डेलीगेट्स ऑफ सिप्नोसिस, सेकंड लेफ्ट में बैठा है सिप्नोसिस के, तो जगह जो रिमेनिंग है यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिनोप्सिस और यहाँ पर आ जाएगा इन्फोसिस, ये हो जाएगा हमारा इन्फोसिस। ये सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन द डेलीगेट्स ऑफ टी सी एस एंड सी, टी सी एस और सी के बीच में कौन बैठा है? टी सी एस सी के बीच में बैठा है ई, जो कि इन्फोसिस है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेलीगेट्स ऑफ इन्फोसिस। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डेलीगेट ऑफ सिनोप्सिस विद रिस्पेक्ट टू द डेलीगेट ऑफ एडोब? एडोब यहाँ पर बैठा है, सिनोप्सिस यहाँ बैठा है, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग गिवन अरेंजमेंट? तो देखिए ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डेलीगेट्स ऑफ विप्रो, ये वाला गलत हो जाएगा। E is the delegate of TCS, ये भी गलत है। The delegates of Wipro is an immediate neighbor of F, ये भी गलत है, क्योंकि F तो खुद Wipro है। The delegates of Samsung sits between F and Infosys, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजिशन ऑफ डेलीगेट्स ऑफ गूगल व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन फ्रॉम C? तो C से अगर हम एंटी क्लॉक वाइज देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ पोजिशन पर कौन आएगा? गूगल आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 टू द राइट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।